नमस्कार, केपी न्यूज के 3 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं रेबिका कोटी। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भालकी के टाउन पुलिस द्वारा 3 खेतों के पंप सेट चोरों को पकड़ा। चुटगुप्पा में बाइक चोर पुलिस के हत्थे चढ़े। कर्नाटक में बारिश, तुंगभद्रा बांध के गेट खुले, जिले अलर्ट पर। वोटर लिस्ट हुई दुरुस्त, इलेक्शन कमीशन ने करीब 1 करोड़ डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाया था, फिर सुधार किया। देवेंद्र फडणवीस को मिलेगी होम मिनिस्ट्री, महाराष्ट्र में इसी सप्ताह को हो सकता है कैबिनेट विस्तार। अब समाचार विस्तार से। भालकी शहर में खेतों में रहे पंपसेट के चोरों को पुलिस ने धर दबोचा। भालकी शहर के समीप सर्वे नंबर 615 में संगशेट्टी कुर्ते के खेत में लगा हुआ कुआ के पंपसेट और 800 फीट केबल चोरी हुआ था, जिसकी शिकायत भालकी टाउन थाना पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। इस पर क्रम लेते हुए पुलिस ने बीदर पुलिस अधीक्षक किशोर बाबू, एडिशनल SP महेश, असिस्टेंट SP पृथ्वी शंकर के मार्गदर्शन में भालकी के टाउन थाने के CPI गुरुराना हेबलकर के नेतृत्व में इन चोरों को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया, जिसने सफलतापूर्वक पंपसेट और केबल चोरों को धर दबोचा। उनके पास से 1,07,000 मूल्य का चोरी की सामग्री जब्त की गई है और चोरों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भालकी से सैमुअल की रिपोर्ट। चिटगुप्पा पुलिस ने बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। पिछले दिनों में क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना आए दिन हो रही थी। इसके तहत तेलंगाना के जहीराबाद और आसपास के क्षेत्र से चोरी की गई लगभग 2,80,000 मूल्य की 6 बाइक बरामद की गई है। चिटगुप्पा से सैयद अजीम की रिपोर्ट। अधिकारियों ने कहा कि कर्नाटक के कई हिस्सों पर भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर है। खासकर तुंगा और तुंगभद्रा नदियों के पास के गांवों में एक जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश और विजयनगर जिले में भारी जल प्रवाह के बाद तुंगभद्रा नदी में कम से कम 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तुंगभद्रा बांध, जिसकी भंडारण क्षमता 1,653 फीट है, का जल स्तर पहले से ही 1,631 फीट तक पहुंच गया है। संतुलन बनाए रखने के लिए 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे तुंगभद्रा बांध के निचले तट पर रहने वाले लोगों में बाढ़ का डर पैदा हो गया है। अधिकारियों ने नदी के किनारे स्थित इलाके में स्थानीय लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। 33 फील्ड गेट में से 30 रविवार 7 अगस्त को खोले गए, जिसके बाद हम्पी में विजयनगर राजवंश के कई विरासत स्थल जलमग्न हो गए। तेलंगाना के जहराबाद में आरोग्य श्री योजना सफल है। इस कार्यक्रम में भाग लिया मंत्री चिरंजीवी ने कहा, यहाँ योजना मदिगा समाज के संघर्ष की निशानी है। इस योजना को लागू करने के समय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ने कहा था कि यहाँ योजना मुंदा कृष्णा मादिगा संघर्ष की निशानी है। इस कार्यक्रम में नेता और कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। जहराबाद से फयाज अहमद की रिपोर्ट। चुनाव आयोग को मतदाता सूची को दुरुस्त करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है। इसी ने पिछली 7 महीनों में इस लिस्ट से करीब 10 मिलियन डुप्लीकेट एंट्रीज को डिलीट कर दिया है। यहाँ फिर उनमें सुधार किया है। जनसंख्या का या फोटोग्राफिक रूप से सामान एंट्रीज को हटाकर मतदाता पहचान पत्रों को सही किया गया है। डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाना ECI का मुख्य फोकस रहा, क्योंकि यहाँ वोटर्स का डिजिटल डेटाबेस बनाना चाहता है। चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 1 अगस्त से आधार कार्ड को वोटर ID से जोड़ने की इजाजत दी है। विपक्षी दलों ने इस कदम की आलोचना की है। इनका कहना है कि यहाँ वोटर्स के डेमोग्राफिक मैपिंग की अनुमति देगा और डेटा प्राइवेसी को लेकर भी चिंता बढ़ेगी। अब समय है एक छोटा सा ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड डीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर 9945283920, 8482127। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजे kpnews247@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीबीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उमरा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उमरा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उमरा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 0402456578697007006786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उमरा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आँखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं।
अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 और 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बिदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहु उपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल स्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 0848222710। फिर से समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। महाराष्ट्र में 30 जून के बाद से ही टू मैन सरकार चल रही है। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ही फिलहाल महाराष्ट्र में अहम फैसले ले रहे हैं। इस बीच चर्चाएं तेज है कि कैबिनेट विस्तार का इंतजार इस सप्ताह समाप्त हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि यहां देवेंद्र फडणवीस को होम मिनिस्ट्री मिल सकती है। रविवार को ही दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि कैबिनेट विस्तार इतने जल्द हो सकता है कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। उनके टिप्पणी के बाद से यहां कायस लगा रहा है कि 15 अगस्त तक महाराष्ट्र में मंत्रिपरिषद का गठन हो सकता है। भाजपा के कोटे से चंद्रकांत पाटिल, आशीष शोलार जैसे सीनियर नेताओं को जगह मिलने की चर्चा है। मनरेगा को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह अक्सर ये कहते हैं कि कांग्रेस सरकार के दौरान मनरेगा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था, जबकि मोदी सरकार ने न केवल मनरेगा के बजट को कई गुना बढ़ाया बल्कि इसके साथ ही सरकार इस पूरी योजना में पारदर्शिता भी लेकर आई है। इस बीच हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों के एक पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि मनरेगा के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शामली में बिजली के खंभे में करंट उतरने के बाद एक घोड़ी को करंट लगने से मौके पर मौत हो गई है, जिसको लेकर मोहल्ले वासियों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। यह मामला जनपद शामली के कैरान क्षेत्र के मोहल्ला इकरामपुरा का है, जहां पर बिजली के खंभे में करंट उतर जाने से एक घोड़ी की मौके पर मौत हो गई है, जिसको लेकर मोहल्ले वासियों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि बिजली के खंभे पर हाई वोल्टेज की लाइन कुछ ऊंचाइयों पर है, जिससे मोहल्ले वासियों को भी खतरा बना हुआ है। इस कारण बिजली के खंभे में अक्सर कर करंट उतर जाता है, जिससे पहले भी कई बार कुत्ते बिल्लियों को करंट लगने से जैसी घटना घट चुकी है, वहीं आज खंभे में करंट उतारने से घोड़ी को करंट लगने से मौत हो गई है, जिससे उनको लाखों का नुकसान हुआ है, जिस कारण उन्होंने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। जनपद शामली, आजम खान की रिपोर्ट। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। आमिर खान ने बताया लाल सिंह चड्ढा का रामायण के साथ क्या है कनेक्शन। अब समाचार खेल के। जिम्बाब्वे वर्सेस बांग्लादेश, सिकंदर राजा ने फिर बजाई गेंदबाजों की बैट। जिम्बाब्वे बनाम बांग्लादेश मुकाबले में बने 581 रन। अंत में समाचार बाजार के। इस सप्ताह देश के अलग अलग हिस्सों में 6 दिन बंद रहेंगे बैंक। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर।
भालकी के टाउन पुलिस द्वारा तीन खेतों के पंप सेट चोरों को पकड़ा। चुटकुप्पा में बाइक चोर पुलिस के हत्थे चढ़े। कर्नाटक में बारिश, तुंगभद्रा बांध के गेट खुले, जिले अलर्ट पर। वोटर लिस्ट हुई दुरुस्त, इलेक्शन कमीशन ने करीब 1 करोड़ डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाया था, फिर सुधार किया। देवेंद्र फडणवीस को मिलेगी होम मिनिस्ट्री, महाराष्ट्र में इसी सप्ताह को हो सकता है कैबिनेट विस्तार। केपी न्यूज के 3 बजे के बुलेटिन में अब तक इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ अगले बुलेटिन में। धन्यवाद।